हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 12th का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आज मैं आ गया हूँ। और आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मतलब अब तक हमने कूलम्स लॉ पढ़ी थी, जिसमें दो चार्ज एक दूसरे पे भाई फोर्स लगाते थे, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, उसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे, देयर विल बी मल्टीपल चार्जेस, और वो सभी चार्जेस मिलके एक दूसरे पे फोर्स लगाने वाले हैं, और वो फोर्स कैसे निकलेगी ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी बुक से सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स मैंने उठाए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना वक्त खराब किए। तो टॉपिक है दोस्तों फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसको सिंपली हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल? क्योंकि इसमें हम जब मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालते हैं तो सबकी फोर्सेस को ऐड करते हैं, और वो एडिशन कौन सी होती है? वेक्टर वाली। मतलब यहाँ वेक्टर सम लिया जाता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों? सिंपल कि सपोज आई हैव मल्टीपल चार्जेस, कि सपोज मेरे पास ये कोई चार्ज है Q1, यहाँ पे ये कोई चार्ज रखा है यहाँ Q2, ये चार्ज रखा है Q3, अप टू सो ऑन। सपोज यहाँ एक चार्ज रखा है Qn, और बच्चों मुझे यहाँ पे एक नन्ना मुन्ना सा टेस्ट चार्ज दिया है Q0, और मुझे कहा जाता है कि इस टेस्ट चार्ज Q0 पे इन सब की वजह से फोर्स फाइंड आउट करो, कि इन सब की वजह से कितनी फोर्स इस टेस्ट चार्ज Q0 पे लग रही है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, तो यहाँ पे लगेगा बच्चों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कैसे लगेगा? देखो, सपोज ये जो Q1 चार्ज है ये Q0 चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है? सपोज R1। ये कितनी डिस्टेंस पे है? R2। ये कितनी डिस्टेंस पे है? R3। अप टू सो ऑन, जो nth चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस पे? सपोज Rn। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इस टेस्ट चार्ज Q0 पे जो नेट फोर्स लगेगी F, वो फोर्स बेसिकली क्या होगी? इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू दीज चार्जेस। इन इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्सेज लग रही हैं उन सब का वैक्टर सम होगा। देखो कैसे, कि Q1 चार्ज की वजह से फोर्स कहाँ लगेगी भाई? यहाँ पे, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी के अलोंग लगती हैं, तो Q1 चार्ज की वजह से फोर्स लगेगी बेटा इस तरफ। इसको मैंने मान लिया F01। ठीक है, इसी तरह से बच्चों Q2 चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ, इसको मान लिया मैंने F02। ऐसे ही बच्चा पार्टी Q3 चार्ज की वजह से भी इस पे फोर्स लगेगी, और उसकी डायरेक्शन मान ली मैंने इस तरफ F03। और सेम इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि nth चार्ज की वजह से फोर्स लगेगी इस तरफ, और वो हो गया F0n। तो कूलम्स मतलब जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है बच्चों, ये क्या बोलता है कि जो नेट फोर्स होगी इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस अप टू सो ऑन F0n। तो इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम हमें लेना पड़ेगा। अब वेक्टर सम में एक बात ध्यान रखना बेटा, वेक्टर सम का मतलब है यहाँ पे जब हम इन फोर्सेस को जोड़ेंगे तो ऐसे ही नहीं जुड़ने वाली जैसे सिंपल मैथ्स में जोड़ देते हैं, यहाँ पे लगेंगी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्लस वन में पढ़ा है ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये लॉज यहाँ पे लगेंगी जब इन फोर्सेस को ऐड किया जाएगा। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, उससे आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और अगर मैं आपको इनकी कूलम्स लॉ लगा के फोर्सेस निकाल के दिखाऊं तो इसका एक्सप्रेशन भी आपके पास आ जाएगा, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा। देखो, F=, हमने मान लिया कि Q1 से Q0 तक का जो पोजिशन वैक्टर है वो R1 है, Q2 से Q0 तक का पोजिशन वैक्टर R2 है, ये R3 है, अप टू सो ऑन, ये पोजीशन वेक्टर हमारा सपोज Rn है। तो आपने पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने लास्ट वीडियो में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन की थी। तो F01 फोर्स क्या बनने वाली है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ? 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्केयर, साथ में R1 यूनिट वेक्टर। R1 यूनिट वेक्टर यहाँ डायरेक्शन को दिखा रहा है बच्चों। इसी तरह से F02 बन जाएगा आपका 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R2 का क्यू, R2 का स्केयर इंटू R2 यूनिट वेक्टर, प्लस अप टू सो ऑन nth चार्ज की वजह से बच्चों फोर्स बनेगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपॉन Rn का स्केयर इंटू Rn यूनिट वेक्टर। तो ये फोर्सेस बच्चों आपके पास
आ जाएंगी ऐसे करके, क्लियर है। अब इसी पे अगर आप इसको समीशन की फॉर्म में लिखो तो समीशन की फॉर्म में बन जाता है आई इज इक्वल टू वन टू एन, अंदर बचेगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई क्यू नॉट अपॉन आर आई का स्क्वायर इंटू आर आई यूनिट वेक्टर। यानी कि आई को जब वन पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, टू पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगी, अप टू सोन एन पुट करेंगे तो nth टर्म मिलेगी। तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का। हालांकि एग्जाम में आपके पास ये फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं आएगी, एग्जाम में अगर आया तो क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, वो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, वो जेई के एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है, वो नीट के एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। डस्टर कहाँ गया हमारा, डस्टर ढूंढ लेते हैं भाई, डस्टर मिल गया हमें, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब करते हैं बच्चों कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स जो मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं और जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कॉपी पेन उठा लें, साथ साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें। अभी मैं कैमरा को रोक के क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाए। ओके, तो दोस्तों बोर्ड पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है। पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूं आप लोगों को क्या है, फिर क्वेश्चन को मजे से सॉल्व करेंगे। पहले तो आप लोग भी स्क्रीन को रोक लें, यहीं पे वीडियो को रोक लें, क्वेश्चन को पढ़ें और खुद से सॉल्व करके देखें, अगर खुद से नहीं निकलता फिर देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों के, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। कहने का मतलब है इन्होंने कहा है कि हमारे पास तीन चार्ज है बेटा Q1, Q2 और Q3, और सभी किसके इक्वल हैं, Q के इक्वल हैं। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब हमें एक ऐसी ट्रायंगल दी है जिसकी सभी साइड्स बराबर हैं, कितनी कितनी LL। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है मुझे, मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना। तो ये मैंने ड्रॉ कर ली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों, सपोज दिस इज अवर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, और इसके जो तीन कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी और कॉर्नर सी, यहाँ पे ये चार्ज रखे हैं Q1, Q2 और ये Q3। और क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है, ठीक है, ये जो इस ट्रायंगल का बच्चों सेंट्रोइड है, इस सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, ठीक है। इस सेंट्रोइड पे क्या रखा है, एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। तो इस चार्ज क्यू पे बताना है कितनी फोर्स लगेगी इन तीनों चार्जेस की वजह से। तो यहाँ लगेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमें पहले इसकी वजह से फोर्स निकालनी है, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर तीनों का क्या लेना है, वेक्टर सम लेना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों के व्हाट इज सेंट्रोइड बेसिकली, कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है। जैसे मान लिया ये मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है और ये इसका सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड का मतलब होता है कि अगर सेंट्रोइड से आप इसके कॉर्नर्स को मिला दो तो ये जो डिस्टेंस आती है ना इसके कॉर्नर्स की, वर्टिसेस की ट्रायंगल के, वो सेम आती है। कि अगर इसकी डिस्टेंस आर है तो इन सभी की डिस्टेंस कितनी कितनी होगी आर, और अगर आप यहाँ सेंटर मान के एक सर्कल खींचोगे तो वो सर्कल कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा कि वो जो ये तीन वर्टिसेस हैं इस ट्रायंगल के, वो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे आएंगे। तो ये सेंट्रोइड की डेफिनेशन होती है बच्चों, ठीक है। यानी कि यहाँ एक चीज़ क्लियर हो रही है सेंट्रोइड की डेफिनेशन से, ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रोइड से इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बच्चों क्लियर हो रही है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो हमारा सेंट्रोइड है जहाँ पे हमारा ये चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, तो इससे जो ये डिस्टेंस होगी बी ओ, ये जो डिस्टेंस होगी ए ओ और ये जो डिस्टेंस होगी सी ओ, दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, और इन सबको मैंने क्या मान लिया, आर आर मान लिया, ठीक। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो इस कैपिटल क्यू चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालनी है, तो सिंपल है बच्चे, वो किसके इक्वल होगी, इसकी वजह से जो फोर्स लगी, इसकी वजह से जो फोर्स लगी और इसकी वजह से जो फोर्स लगी, उन सभी का वेक्टर सम होगी, उन सब का क्या होगी, वेक्टर सम। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले Q1 चार्ज की वजह से फोर्स निकालते हैं। तो Q1 चार्ज की वजह से मान लिया फोर्स लग रही है बच्चों F1, और ये F1 फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आएगी, 1 बाय, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, 1/4πε0 Q1 इंटू कैपिटल क्यू अपॉन जो डिस्टेंस है उसका स्केयर। अब आपको पता है Q1 किसके इक्वल है बेटे,
क्या U के इक्वल है, तो ये बनेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। ये F1 का मैग्नीट्यूड है, जस्ट वैल्यू है, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, ये ध्यान रखना है आपने। तो Q1 चार्ज की वजह से F1 फोर्स लगेगी, इसकी डायरेक्शन देखो कहाँ होगी। अब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है भाई, रिपेल करता है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो ऐसे आउटसाइड लगेगी, ये फोर्स लगेगी F1। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ना दिखा के बस ये दिखा दूँ कि F1 फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड है ये F1, ये डायरेक्शन एरो से दिखा दी मैंने, ठीक है ना। तो F1 फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, Q1 की वजह से इधर नीचे की तरफ, ठीक है। सिमिलरली हम फोर्सेस निकालेंगे Q2 चार्ज की वजह से और Q3 चार्ज की वजह से। अब Q2 चार्ज की वजह से फोर्स लगेगी इस तरफ, ठीक है। Q2 चार्ज की वजह से कहाँ लगेगी फोर्स, इस तरफ लगेगी, और इसको मैंने मान लिया F2। तो ये फोर्स भी निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू कैपिटल Q अपॉन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये चार्जेस के बीच की कितनी है बच्चों, R अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा। और थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि Q2 की वैल्यू भी Q है, तो इसे मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। तो ये F2 की वैल्यू आ गई बच्चों, और जो F2 है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ आउटसाइड, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं तो डायरेक्शन ऐसे इसी लाइन ऑफ एक्शन में आउटसाइड की तरफ होगी, बाहर की तरफ, क्लियर है। सिमिलरली अब Q3 चार्ज की वजह से भी फोर्स निकाल लेते हैं, Q3 चार्ज की वजह से फोर्स आएगी बच्चों F3, विच इज विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इनटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। अब आपको पता है Q3 भी Q के इक्वल है, तो यहां सिंपली ये Q बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 1, 2 और 3 से मैग्नीट्यूड तीनों फोर्सेस के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है। तो इस सारे को मैंने क्या मान लिया, सपोज F नोट, कि ये भी हमारा F नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी F नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी F नोट को। तो मतलब मैग्नीट्यूड तीनों फोर्सेस का इक्वल है, तो हमने इसको F नोट मान लिया से, ठीक है। और जो F3 फोर्स लगेगी कहाँ लगेगी बेटा, क्या U3 चार्ज की वजह से, वो कहाँ लगेगी, ऐसे लगेगी बाहर की तरफ F3, ठीक है। तो अब हमने फोर्सेस तो निकाल ली, अब यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो नेट फोर्स होगी इट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ F1, F2 एंड F3। अब जब बेटा हम वेक्टर सम लेते हैं तो डायरेक्शन भी देखते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे देखोगे, अब देखना इसको ध्यान से कैसे कराऊंगा मैं। अब आप सिंपल देखो, इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, कुछ बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया होगा, मैं किस तरीके से सॉल्व कराऊंगा वो ध्यान से देखना। मैं आपको ना कंपोनेंट्स निकाल के सॉल्व कराऊंगा, आप ध्यान से देखो, ये फोर्स F2 इधर लग रही है, तो इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी होगा, वो कंपोनेंट निकाल लेते हैं देखो कैसे। अब ये मेरी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, टोटल एंगल मेरा कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है बेटा, 60 डिग्री। तो ये पूरा एंगल मेरा 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये इतना एंगल इसका हाफ होगा, विच विल बी 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री होगा। और अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रापोलेट करूं तो यहां पे ये एंगल बनता है 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में मैं ध्यान से देखूं तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है बेटा 180 डिग्री। तो यहां से मैं ये एंगल निकाल सकता हूं, कैसे निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 यानी के 60 डिग्री। तो ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है बच्चों तो ये एंगल भी यहाँ कितना होगा, 60 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, और ये एंगल भी यहाँ कितना बनने वाला है, 60 डिग्री बनने वाला है। तो इसका मतलब जो आप कंपोनेंट निकाल लोगे F2 के, तो F2 के यहाँ पे दो कंपोनेंट निकल आएंगे आपके पास इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, एक कंपोनेंट F2 का होगा x डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट F2 का होगा y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में जो y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या लगता है, cos 60 आता है ना कंपोनेंट्स निकालने के। जैसे देखो बच्चों ये फोर्स लग रही है F2, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, साथ में कोस लगता है, तो एफ कोस 60।
और जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी जहाँ एंगल नहीं बन रहा वहाँ साइन लगता है, आपने याद रखना है। तो इधर बनेगा एफ साइन 60। तो इसका मतलब मैंने इस फोर्स को रिजोल्व कर दिया दो फोर्सेज में, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। क्लियर है ये चीज़? तो दो कंपोनेंट्स बच्चों हमें मिल गए, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ मिल गया एफ टू कॉस 60 और एक इधर मिल गया एफ टू साइन 60। सिमिलरली बच्चों इधर वाली फोर्स को देखो, एफ थ्री को जो ऐसे लग रही है, एफ थ्री फोर्स भी कितना एंगल बना रही, 60 डिग्री। इसके एक भी कितने कंपोनेंट लोगे, दो, एक बनेगा एफ थ्री साइन 60, एक बनेगा बच्चों एफ थ्री कॉस 60, दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो बना लो, तो इसका एक कंपोनेंट तो इसका भी यही हो गया एफ थ्री का, जो बनेगा एफ थ्री कॉस 60, और एक कंपोनेंट इस तरफ हो गया जो बनेगा एफ थ्री साइन 60। अब ज़रा ध्यान से देखो तो नेट फोर्स कितनी लग रही है क्यू चार्ज पे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो F2 sin 60 वाली फोर्स है और ये F3 sin 60 वाली फोर्स है, ये क्या है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट। अगर आप ध्यान से देखो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स इधर लग रही है, क्योंकि हमें पता है F1 F2 F3 की वैल्यू सेम है, तो एक तरफ फोर्स लग रही है F2 sin 60। F2 sin 60 का मतलब मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है F1 F2 F3 सेम है, मैंने F नोट मानना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F नोट sin 60। sin 60 कितना होता है बेटा, या एज इट इज रख लो F नोट sin 60। ऐसी एक फोर्स क्या चार्ज पे इधर भी लग रही है जो क्या है बेटा, F3 sin 60। अगर मैं इसको लिखूँ F3 F नोट के ही इक्वल है, तो ये F नोट sin 60 बन जाता है। तो आप देख सकते हो ये फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, तो क्या करेंगी एक दूसरे को बच्चों, ये कैंसिल करेंगी। तो इसका मतलब इन फोर्सेस की वजह से तो कुछ नहीं मिलने वाला हमें, ठीक है, इन फोर्सेस की वजह से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं ऊपर वाली फोर्सेस। अब यहाँ पे देखो ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं इस चार्ज पे, अगर आप ध्यान से देखो तो इधर वाली फोर्स तो कैंसिल होगी, बची क्या, एक फोर्स ये ऊपर जा रही है जो है F2 cos 60, इसी तरह से एक फोर्स और ऊपर जा रही है वो भी क्या है F3 cos 60। अब F2 और F3 दोनों की वैल्यूज सेम है, कितनी है F0, तो मैं लिख सकता हूँ ना ये F0 cos 60, ये भी F0 cos 60। तो दो फोर्सेस हैं जो ऊपर की तरफ लग रही, और एक फोर्स F1 है जो कहाँ लग रही है बच्चों, नीचे की तरफ, और F1 भी हमारा क्या है F नोट मानना है मैंने। तो नेट फोर्स ऊपर कितनी लग रही है, देखो ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, नेट फोर्स F नोट cos 60 प्लस F नोट cos 60। ध्यान से देखो कितना बनेगा ये, टू टाइम्स ऑफ F नोट cos 60, और बच्चा पार्टी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब ये दो फोर्सेस जुड़ के कितना फोर्स बनाती हैं F नोट। तो इसका मतलब नेट फोर्स जो ऊपर लग रही है इनके जुड़ने से वो कितनी बनेगी, जो ऊपर फोर्स लगेगी बेटा इन दोनों के जुड़ने से F नोट, और नीचे भी सेम फोर्स लग रही है F नोट, तो ये तो इक्वल और अपोजिट होगी, तो नेट फोर्स क्या आई, जीरो आई। नेट फोर्स क्या आई बेटा, जीरो आई। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है डायग्राम से कि क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी बच्चों, जीरो होगी। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, समझ गए कैसे सॉल्व किया है इसको। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान था, ठीक है ना, ध्यान से समझना है बस। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिख दी है, तो चलिए इसको करते हैं अब सॉल्व के कैसे ये होगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ईजी है, क्या कहा है इन्होंने, कंसिडर थ्री चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू placed at the vertices of an equilateral triangle of side L, what is the force on each charge? हर एक चार्ज पे फोर्स निकालनी है बच्चों अब, ठीक है ना। तो आपको क्या कहा गया है, आपको एक equilateral triangle दी है, ये इस equilateral triangle के ये जो तीन vertices हैं A, B, C, यहाँ पे हमें charges दिए हैं, यहाँ पे एक charge रखा है suppose प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, और यहाँ चार्ज रखा है माइनस क्यू, ये हमें गिवन है ना, दो पॉजिटिव चार्ज हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, और इसकी साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी कितनी है बच्चों, एल एल, और हमें क्वेश्चन किया गया है कि नेट फोर्स निकाल लो हर एक चार्ज पे, ठीक है, नेट फोर्स निकाल लो हर एक चार्ज पे। तो यहाँ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, डायग्राम से क्लियर होगा, पहले माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, ये जो चार्ज है एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पे जो हमारा माइनस क्यू चार्ज रखा है इस पे कितनी फोर्स लगेगी, ये हम अब फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो देखो कैसे,
अब पहले आपको ना यहाँ डायरेक्शंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, ये सारी बातें बच्चों ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक फोर्स तो ये लगेगी किसकी वजह से, प्लस क्या चार्ज की वजह से, और इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ FFCA, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना इस तरफ, तो इसको FCA मान लिया, समझ गए। सिमिलरली यहां जो पॉजिटिव चार्ज रखा है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, और ये फोर्स मेरे को मिलेगी FCB, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। और बाद में अब हमें नेट फोर्स निकालनी है, तो फिर इन दोनों का मैं क्या लूंगा बच्चों, वेक्टर सम लूंगा, इस पे पैरेललोग्राम लो लगेगी बाद में, पहले इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो अगर मैं FCA फोर्स निकालता हूँ, कौन सी फोर्स, FCA, तो ये कितनी बनती है बच्चों, ये हमारी बनती है 1/4πε0 into Q अपॉन जो मैग्नीट्यूड है L उसका स्केयर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, जो डिस्टेंस है ना, कूलम्स लॉ यही बोलती है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q into Q और इनके बीच की डिस्टेंस का स्केयर, यानी कि फोर्स बन गई 1/4πε0 into Q² / L², ठीक है। सिमिलरली फोर्स निकाल लेते हैं FCB, ये वाली फोर्स निकाल लेते हैं बेटा, ये भी बनेगी कूलम्स लॉ से 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों ही चार्ज Q है, तो Q का स्केयर अपॉन डिस्टेंस है L². तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि FCA और FCB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो इन दोनों को आप F नोट पुट कर लो, इसको भी F नोट मान लो से, और इसको भी क्या मान लो बेटा, F नोट, तो मैं इनको F नोट मान सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से अगर लिखूँ तो सिंपली इसका मैग्नीट्यूड F नोट है और इसका मैग्नीट्यूड भी F नोट है ना, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करूँ तो ये बन गया, ये फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड F नोट, एक ये फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड F नोट। अब हमें निकालनी है नेट फोर्स, नेट फोर्स कैसे निकलेगी बेटा, कूलम्स लॉ से निकलेगी, कैसे निकलेगी, नेट फोर्स निकलेगी पैरेललोग्राम लॉ से, क्या लगाएंगे बेटा अब यहाँ पे हम, पैरेललोग्राम लॉ, कैसे लगेगी, अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूँ, तो इस पैरेललोग्राम का जो ये वाला डायगोनल है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेट फोर्स एट पॉइंट सी, के पॉइंट सी पे जो चार्ज रखा है माइनस क्या हो, इस पे लगने वाली नेट फोर्स, और यहाँ लग रही है पैरेललोग्राम लो, तो पैरेललोग्राम लो लगा लो। और दूसरा, इन दो चार्जेस के बीच में कितना एंगल होने वाला है बेटा, इन दो फोर्सेस के बीच में कितना एंगल होने वाला है, 60 डिग्री, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बस फॉर्मूला लगाओ, तो नेट फोर्स आपने पढ़ा है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अगर याद हो वेक्टर वाले चैप्टर में 11th क्लास में, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, p² + q² + 2pq cos θ, यही होते हैं ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट है नेट फोर्स FC वो कितनी आएगी बच्चों, अंडर द रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स का स्केयर प्लस सेकेंड फोर्स का स्केयर, दोनों का मैग्नीट्यूड F0 है, प्लस 2 times ऑफ F0 into F0 into cos 60। सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा अंडर द रूट ऑफ F0² + F0² 2 times ऑफ F0² प्लस 2 times ऑफ F0² cos 60, कितना होता है बेटा 1/2, तो 1/2 में 2 से 2 कैंसल, तो FC यहाँ से आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 times ऑफ F0² क्योंकि 2F0² + F0² ये 3F0² हो गया, अब F0² अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो FC बन जाएगा अंडर रूट 3 times ऑफ F0, सो दिस इज द फोर्स, क्लियर है बेटा, ये कौन सी फोर्स आई, चार्ज माइनस क्यू पे, किस पे आई ये फोर्स, चार्ज माइनस क्यू पे आई। सिमिलरली आप दूसरे चार्जेस पे भी फोर्स लगा सक निकाल सकते हो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको खुद से सॉल्व करके देखना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आंसर आपने खुद लिखना है सॉल्व करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो देखो अब हमें इस प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, देखो इस प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से तो फोर्स यहाँ लगेगी FAB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से फोर्स यहाँ लगेगी FAC, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इनके मैग्नीट्यूड तो यही आएंगे, आप सॉल्व कर लेना, मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा ना, डिस्टेंस L है, यहाँ पैरेललोग्राम लगेगी ऐसे बेटा, तो ये जो डायगोनल आएगा
ये रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को, एफ ए, समझ गए। और फिर इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री, क्योंकि इधर एंगल 60 डिग्री है, पूरा 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना हुआ, 120। तो बस जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखो एफ ए सी कितना है आपका, एफ ए सी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, यही है। और एफ ए बी भी कितना है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, एफ नॉट एफ नॉट। तो बस फॉर्मूला लगा दो, नेट फोर्स पॉइंट ए पे कितनी होगी भाई, अंडर रूट ऑफ एफ नॉट का स्क्वायर प्लस एफ नॉट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट इंटू कॉस 120, तो ये बनेगा बेटा आपका 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट स्क्वायर, कॉस 120 क्या होता है, माइनस के कॉस 60 के इक्वल, या आप सिंपली कह सकते हो कि कॉस 120 सॉल्व करके कितना आने वाला है हमारा, माइनस के 1/2, ये माइनस कॉस 60 बन गया। ये आपको पढ़ाया हुआ है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं सिंपल, क्योंकि कॉस 120 की वैल्यू आप वैसे भी निकाल सकते हो बच्चों, देखो कॉस 120 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो आपने टेंथ में किया है, कॉस 120 को लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 30, फिर इस पे कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, कॉस 90 कॉस 30 माइनस साइन 90 इंटू साइन 30, ये फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, आप देखोगे कि आंसर कितना आने वाला है, यहाँ से सब कुछ कर करा के माइनस के 1/2 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी माइनस 1/2 बनता है, या मैं डायरेक्ट अगर पुट करूँ तो ये सारा सॉल्व करके माइनस 1/2 है, तो कॉस 120 कितना आएगा आपका, माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो आपका बना अंडर रूट ऑफ 2f0² माइनस एफ नॉट स्क्वेयर, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ एफ नॉट स्क्वेयर। तो इसका मतलब जो फोर्स आई है हमारे पास बच्चों एफ ए, वो कितनी आएगी, एफ नॉट आएगी, कितनी आएगी नेट फोर्स, एफ नॉट। सिमिलरली आप इस प्लस क्यू चार्ज पे भी निकाल सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ये रिपेल करेगा, पैरेललोग्राम लो लगाओ ये नेट फोर्स आ जाएगी, सॉल्व करना, सेम इसी तरह से सॉल्व होगा, और ये भी आंसर कितना आने वाला है बच्चों, एफ नोट आने वाला है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड थे, इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ऐसे क्वेश्चंस जरूर करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अगर पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।